वेल दंटर्स माईट है पी जे एल बट स्पीक वे दॉाकी सर आपके टीम कॉम्बिनेशन गुण के ऊपर पहले बात करते हैं बैटिंग में आ, सबसे बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस है हंटर्स की लेकिन मिडिल ओवर्स में जाके जो है ना कुछ कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं तो क्या बात हुई है आपकी बॉयज से देखिए ये फर्स्ट टाइम सारे अंडर नाइनटीन खेल रहे हैं और हर टीम का मैंने देखा है जहाँ जो नीन्ंग्स बिल्ड करनी होती है वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं ये हर टीम में यही है कि जब जैसा कि हमारा बड़ा अच्छा स्टार्ट था दस ओवर में सेवेंटी रन थे तो वहाँ पे नीन्ग्स बिल्ड करनी थी तो वहाँ पे ये प्रेशर लेते हैं इनको एक्सपीरियंस नहीं है और हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर रन बॉल जाना है आपने एक बाउंड्री के लिए तरफ जाना है तो इनको हम ये मैसेज दे सकते हैं कि ये फील करते हैं प्रेशर ना कि बाउंड्री बड़ी है तो उसमें अपनी विकटें थ्रो कर रहे हैं अच्छा बॉलिंग के बारे में बताएं वो भी थोड़ी अनइम्प्रेसिव रही है आपको लगता है कि ड्राफ्ट के एरिया में है वहाँ पे गलतियाँ हुई थी कुछ प्लेयर्स पिक करते हुए नहीं डेफिनेटली देखें अंडर 19 है और ये अभी थ्री डे गेम्स और वन डे गेम खेलते आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो सारी टीमें एक बैलेंस में थी मेन परफॉर्मेंस एक दो प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम जीत जाती है बिल्कुल और जो प्रेशर नहीं लेते वो जो है वो टीमें जीत रही हैं अच्छा ये बताएं कि अभी आपने रिफ्लेक्ट तो बहुत किया होगा अभी तक जो भी गलतियाँ वगैरह हुई हैं अब अगले एडिशन के लिए क्या चेंजेस आना चाहेंगे आप देखिए बड़ा अच्छा प्लेटफार्म मिला है और ये जितने भी यंगस्टर हैं मैं समझता हूँ ये बड़े लकी हैं कि उनको ये पी का प्लेटफार्म मिला है और अपना आप शो करने का प्लेटफार्म मिला है और ये बड़ी प्रेशर क्रिकेट है और आप पूरा देख लें ऐसे लग रहा है जैसे कोई वर्ल्ड कप हो रहा है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है यंगस्टर के लिए चले ऑल द बेस्ट आपकी आज की जो लास्ट गेम है गुड लक फॉर दिस वन एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस थैंक यू थैंक यू वेलकम